हिंदुस्तान और से दंगल यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलशेखर दुबे। आज मैं ब्रह्मपुर मेला की तैयारी करते हुए एक घोड़े का वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बाबा परमेश्वर नाथ की नगरी ब्रह्मपुर मेला अब पास होते जा रहा है। 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि है, ठीक उससे 7-8 रोज पहले वहाँ पर घोड़े पहुँच जाते हैं, यानी कि 1 मार्च 2024 से घोड़े वहाँ पर पहुँचने चालू हो जाएंगे। वहाँ ग्राउंड पर प्रैक्टिस करेंगे और मेला का आनंद लेंगे। उसी में ये जो घोड़ा आप सभी लोग देख रहे हैं, इस घोड़े का नाम है पिंडी एक्सप्रेस, और आप सभी लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग पिंडी एक्सप्रेस से समझ ही गए होंगे कि कौन सा घोड़ा है, किसका घोड़ा है। इस घोड़े के मालिक हैं बाबू जूला सिंह जी देवरिया उत्तर प्रदेश से। घोड़े का नाम है पिंडी एक्सप्रेस और इस पर अब एक नए सवार को कमान दिया गया है। अब देखना यह है कि नया सवार इस घोड़े को कहां तक सेट करके ब्रह्मपुर में अपना कितना अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। सवार का नाम है सवार पंकज यादव, उन्हीं के हाथ में पिंडी एक्सप्रेस का अब बागडोर थमाया गया है। और आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सवार पंकज यादव के हाथ में पिंडी एक्सप्रेस घोड़ा कैसा काम कर रहा है। अपने होम ग्राउंड पर घोड़े की प्रैक्टिस देख रहे हैं। एक शानदार पैरबाजी करते हुए सवार पंकज के हाथों में घोड़ा राउंड को पूरा कर रहा है। जैसे जैसे राउंड बढ़ती जा रही है, सवार पंकज के हाथ में पिंडी एक्सप्रेस वैसे ही लहराता हुआ बिना पैर बिगाड़े राउंड को पूरा कर रहा है। आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पिंडी एक्सप्रेस सवार पंकज के हाथ में कैसा काम कर रहा है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं हिंदुस्तान और से दंगल यूट्यूब चैनल से, जुड़ने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन के घंटा को जरूर दबाइए। हिंदुस्तान और से दंगल का फेसबुक पेज भी बनाया है, फेसबुक पर जाइए हिंदुस्तान और से दंगल सर्च कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सवार पंकज यादव के लिए और पिंडी एक्सप्रेस घोड़ा के लिए कमेंट जरूर कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आगे नया वीडियो लेकर।